हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आप देख रहे हैं सतीश का टिप्स। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि तत्काल टिकट कब, कैसे और कितने बजे बुक किया जाता है, साथ में एसी क्लास और स्लीपर क्लास के टाइमिंग और ऑफलाइन ऑनलाइन बुक कैसे किया जाता है, पूरा प्रोसेस समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि तत्काल टिकट कब बुक किया जाता है। तो तत्काल टिकट आपको ट्रेन सफ़र करने से एक दिन पहले बुक किया जाता है, चाहे टिकट स्लीपर क्लास का हो, फिर चाहे एसी क्लास का ही क्यों ना हो। बात करते हैं तत्काल टिकट ऑफलाइन बुक करना चाहिए या फिर ऑनलाइन। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले ऑफलाइन के बारे में बात करते हैं। यदि आप ऑफलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर सुबह 4 बजे से पहले ही जाना पड़ेगा, ताकि आपका नंबर पहले लग सके। जबकि रेलवे स्टेशन पर बहुत से लोग लाइन लगाकर पहले से ही खड़े रहते हैं टिकट बुक करने के लिए, तो इससे नंबर लगने का चांस बहुत कम होता है। यदि आपका नंबर पहले नंबर या दूसरे या तीसरे पर भी आ गया तो आपका टिकट मिलने का चांस ज़्यादा है, अदरवाइज कन्फर्म टिकट मिलने का काफ़ी कम चांस है। ऑनलाइन टिकट बुक करने का फ़ायदा यह है कि जब तत्काल टिकट रेलवे स्टेशन पर चालू होता है तभी आपका ऑनलाइन भी, यानी IRCTC एप्लीकेशन पर सेम टाइमिंग पर चालू होता है। तो ऑनलाइन में आपको लाइन में वेटिंग में खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपकी नेट स्पीड पर डिपेंड करता है कि आपका टिकट कन्फर्म मिलेगा या नहीं। बुक करते समय एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपकाल टिकट सिर्फ IRCTC के वेबसाइट से करें, अदरवाइज थर्ड एप्लीकेशन से यदि आप बुक करते हैं तो उसमें टाइमिंग में 15 मिनट का अंतर आता है। अब करते हैं आखिर में तत्काल टिकट के टाइमिंग के बारे में। तो तत्काल टिकट एसी का सुबह 10 बजे से शुरू होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन सेम टाइमिंग है। और बात करते हैं स्लीपर क्लास के टाइमिंग के बारे में। तो स्लीपर क्लास का टाइमिंग आपका 11 बजे चालू होता है। आप एसी या स्लीपर क्लास की तत्काल टिकट ट्रेन डिपार्चर से एक दिन पहले बुक कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। बाय।